पुरानी मूर्तियों का किस तरह करें पूजन, पुरानी मूर्तियों का विसर्जन कैसे करें, घर में नई मूर्तियों की स्थापना कैसे करें। दिवाली पर मां लक्ष्मी और गणेश की पूजन करने से अपार धन संपत्ति यश और प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसे में दिवाली के विशेष अवसर हो या धनतेरस का, इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि घर का माहौल शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कलेश से बचना चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जहां सुमति वहां संपत नाना, जहां कुमति वहां विपत निधाना। इसके साथ ही पूरे घर को साफ कर नमक मिले पानी से पोंछा लगाएं, तत्पश्चात गंगा जल छिड़कें, मुख्य द्वार पर आम अथवा अशोक के पत्तों का बंधन बार लगाएं और रंगोली सत्या कलश ओम आदि शुभ चिन्हों से सजाएं। मुख्य द्वार गंदा ना रहे वहां जूते चप्पल इत्यादि ना रखें। चलिए अब आपको बताते हैं कि घर में मूर्तियों की स्थापना कैसे करें। पंडितों के अनुसार घर के उत्तर पूर्व, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य स्थान पर आटे से चौक करें, वहां चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा पीला रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद हल्दी से पीले चावल पर सतिया बनाएं और कलश में जल भरकर यहां रख दें। अगर घर में लक्ष्मी गणेश की पुरानी मूर्ति जिनकी वर्ष भर पूर्ण श्रद्धा भाव पूर्वक से आपने पूजा की है, उन मूर्तियों की ओर मुखातिब होकर खड़े हों और विनम्र भाव एवं श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करें कि हे श्री गणेश, आपने पूरे साल भर कृपा कर मेरे और परिवार की रक्षा की है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस नवीन मूर्ति से अपना स्थान ग्रहण करें। इसी प्रकार माँ लक्ष्मी, विष्णु जी एवं अन्य देवी देवताओं का आह्वान कर स्थान दें। लक्ष्मी गणेश की पुरानी मूर्तियों को यथास्थान पर ही विराजमान रहने दें। अब आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना है वो बताते हैं। घर में पुरानी मूर्तियों पर भी रोली तिलक कर पुष्प मिष्ठान खील बतासे अर्पित करें, फिर श्री गणेश एवं माता लक्ष्मी की अलग प्रकार से स्तुति कर आरती करें। छह नवंबर दौज को पुरानी मूर्तियों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर उनके स्थान पर नए श्री गणेश और माता लक्ष्मी को बिठाएं और पुरानी मूर्तियों को किसी अखबार अथवा पेपर में लपेट कर सुरक्षित रख दें और जब आपको मौका मिले तब किसी साफ स्थान पर विसर्जित कर दें। भूल से भी पुरानी मूर्तियों को इधर उधर ना रखें अथवा गंदे पानी अथवा स्थान पर किसी ना फेंकें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी साल भर की गई पूजा निष्फल होगी, साथ ही आपको पाप भी लगेगा।